दोस्तों कंचे जिसे मार्बल बॉल्स भी कहा जाता है, इसके साथ तो आपने अपना बचपन जरूर बिताया होगा या आप भी कंचों से जरूर खेलते होंगे और कई बार इसी कंचे की वजह से अपने मम्मी से कई बार मार भी खा चुके होंगे। भाई मैं तो बहुत बार पीट चुका हूँ, पर क्या आपको पता है कि फैक्ट्रियों में इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे कंचों को कौन कौन सी चीज़ों से बनाया जाता है या फिर इन कंचों को फैक्ट्री में आखिर बनाया कैसे जाता है। यदि आपको नहीं पता है और अगर आप जानना चाहते हैं तो हम है ना हम आपको ले चलेंगे कंचों के फैक्ट्रियों में, जहां आपको हम दिखाएंगे कि आखिर इतने प्यारे प्यारे कंचे बनते कैसे हैं। तो चलिए हमारे साथ इन कंचों के अद्भुत सफ़र पर। दोस्तों सबसे पहले रिसाइकल ग्लास और फॉल्टी मार्बल को हीटिंग मशीन में डालकर 204 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है और वह भी 16 घंटों के लिए। इसके बाद मेल्टेड ग्लास को मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है, पर उसी भी शेयरिंग डिवाइस हर आधे सेकंड पर मेल्टेड ग्लास के लहर को काटता है जिससे सेगमेंट तैयार हो जाता है जिन्हें स्लग भी कहा जाता है और यही आगे जाकर आपकी खुशी का हिस्सा भी बनते हैं। अब सेगमेंट में तब्दील करने के बाद इसको स्पिनिंग आयरन व्हील की मदद से कंचों का आकार दिया जाता है और फिर 72 घंटों के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। दोस्तों अब देखते हैं कि आखिर कैसे इन कंचों को अनोखे टेक्सचर दिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह के अनोखे कंचे हाथों की मदद से बनाए जाते हैं जिसमें कारीगर ग्लास के दो सेट का इस्तेमाल करते हैं। पहला ट्रांसपेरेंट ग्लास जिससे आर पार देखा जा सकता है और दूसरा कलर ग्लास जो अनोखे टेक्सचर देने में मदद करता है। दोस्तों सबसे पहले कारीगर एक कलर ग्लास को एक लंबा और पतला सिलेंड्रिकल आकार में तब्दील कर देता है, वह भी हीट की मदद से, और फिर ट्रांसपेरेंट ग्लास को स्टैंडर्ड ओवरले शेप में तब्दील कर दिया जाता है। अब वह कलर ग्लास का स्ट्रिप जैसा चाहिए होता है वैसा ट्रांसपेरेंट ग्लास पर लगाता है और फिर वापस से ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक लेयर और लगाता है और यह सब लगाने का कार्य गर्मी में होता है यानी कि हाई टेम्परेचर की निगरानी में किया जाता है। अब इसी तरह अलग अलग कलर स्ट्रिप्स और ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाकर कारीगर इन अनोखे कंचों का निर्माण करता है और फिर भेज देता है आपकी खुशियां बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों देखा आपने इन कंचों को आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 3 बार लाइक ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन बचपन में कंचों की वजह से अपने मम्मी के हाथों से पीट चुका है, बताना ज़रूर। और यदि आप ऐसे ही हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।